कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या है ये बड़े फैसले, आइए जान लेते हैं। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी तरुण शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, आप इस मीटिंग को बहुत देर से ट्रैक कर रहे हैं, जरा बताइए क्या कुछ निकल कर आया, क्या बड़े फैसले हुए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस कैबिनेट की मीटिंग में करीबन 1,00,000 करोड़ के निवेश के फैसले लिए गए हैं। 80,000 करोड़ की एक पैप फैक्ट्री टाटा का जो प्रोजेक्ट है वो धोलेरा गुजरात में लगाएंगी और 20,000 करोड़ के पैकेजिंग आसाम में एक प्लांट लगाने को कैबिनेट ने मंजूर किया है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट टाटा कंपनी के द्वारा लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो एनपीके की जो सब्सिडी है उसको 24,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ये खरीफ सीजन की मार्केटिंग खरीफ सीजन की लिए ये 24,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। ये एनपीके जो यूज होता है फर्टिलाइजर उसके लिए ये सब्सिडी आज कैबिनेट ने मंजूर करी है, क्योंकि खरीफ का सीजन आने वाला है तो उसके लिए 24,000 करोड़